हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं समीर आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल डिजिटल पावर में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कक्षा एक से लेके बारहवीं तक की जितने भी छात्र या छात्राएं हैं, जिनका अभी तक छात्रवृत्ति, प्रोत्साहन राशि, साइकिल का पैसा, किसी प्रकार का अगर आपको छात्रवृत्ति मिलता है, अगर नहीं आया है तो यहाँ पे आपको घबराने की बात नहीं है। पैसा आपको बहुत जल्द ही आपके अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन उसके लिए यहाँ पे जो 75% हाजिरी का जो यहाँ पे प्रावधान रखा गया था, अनिवार्यता रखा गया था, उसको फिलहाल अभी खत्म किया गया है। बिना किसी 75% हाजिरी उपस्थिति के आपको पैसा मिलेगा, डायरेक्ट आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले करेंगे गुजारिश कि चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइकिल, पोशाक व छात्रवृत्ति की राशि के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। यानी पहले मांगा जाता कि आपका 6 माह के अंदर जो 75% उपस्थिति होना चाहिए, उन्हीं स्टूडेंटों को साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति या प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसको खत्म किया गया है और इससे आपको बहुत यहाँ पे लगभग 2 करोड़ यानी 2.10 करोड़ विद्यार्थियों को मिलने वाली सभी प्रकार की प्रोत्साहन राशि के लिए स्कूल में 75% की अनिवार्यता उपस्थिति की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। ये जो है कोरोना संक्रमण के दूसरी लहर के कारण जो स्कूल बंद था उसी के कारण इसको किया गया है। इसमें कौन कौन से यहाँ पे छात्रवृत्ति थे तो आप देख सकते हैं, छात्रवृत्ति जो थे यहाँ पे मुख्यमंत्री बालिका एवं बालक साइकिल योजना, बिहार शताब्दी, ठीक है फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री बालिक जो बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री किशोरी अवस्था कार्यक्रम योजना या प्रोत्साहन राशि की जो योजना थी शिक्षा विभाग के माध्यम से जो संचालित किया जाता था, पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग को कल्याण यानी कल्याण विभाग के तहत जो यहाँ पे योजना का लाभ दिया जाता था उसको भी यहाँ पे सीधे तौर पे 75% की जो अनिवार्यता है उसमें खत्म किया गया है। अब आपको यहाँ पे बताया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजना के तहत 2021 और 2022 में सीधे विद्यार्थियों के खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाएगी। इस प्रकार की सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। छात्रवृत्ति सहित अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए वर्ष के, यहाँ आप देख सकते हैं, वर्ष के प्रथम 6 माह में विद्यार्थियों की 75% उपस्थिति की जो गणना की जाती है, इस वर्ष ये अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपकी जो पैसा कब तक आएगी, तो कोरोना के कारण इस वर्ष सितंबर में स्कूलों को खोला गया है। उन्होंने बताया कि अब राशि को भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बजट में इससे पहले इसका जो पहले से ही उपबंध था, यानी जो आपकी राशि यानी आपके अकाउंट बैंक अकाउंट में आपके पैसे जो ट्रांसफर करने जाने की प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है और यहाँ पे आपको पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि अभी सितंबर में ही यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स स्कूल को ओपन किया गया है, तो थोड़ा समय लग सकता है। सितंबर में ही अक्टूबर यानी इस वर्ष 2021 में आपको पैसा आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा, चाहे वो आपका साइकिल का हो, पोशाक का हो, या छात्रवृत्ति का हो, या आपका प्रोत्साहन राशि जो आपको मिलता है 10,000 मैट्रिक वाले को फर्स्ट डिवीजन में, अगर सेकंड डिवीजन वाले की बात कर ले तो उनको मिलता है 8,000 और वही इंटर वाले को जो मिलता है फ्रेंड्स 15,000 सिर्फ लड़कियों के लिए फर्स्ट डिवीजन पे, तो उनको ये पैसा प्रोत्साहन राशि के तहत मिलती है, उनको भी ये पैसा मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर इससे संबंधित आपको किसी प्रकार का क्यूरी हो, किसी प्रकार का प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या चाहे तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहां पे जाकर आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, यहाँ तक ईमेल आईडी भी वहां पे दिया गया है, वहां से जाकर अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नए अपडेट, नए वीडियो, नए रिक्रूटमेंट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।